देखा, सिर के पास से नहीं। बहुत सुंदर कार्यक्रम कीर्तियांचल जी के द्वारा और उसके बाद एक सुंदर सा संचालन कर रहे हैं हमारे बड़े भैया दीपक जी। आपके द्वारा एक निर्देश दे दिया गया है कि बात वक्त फर्जी बातों में ना निपटाया जाए, 35 मिनट में ही चक्र निपटाया जाए। कहा है यानी समय की बंदिश लग गई है, कुछ कहना ठीक है। आपकी बात का विशेष ध्यान दूंगा मैं। हो क्या बात है, बहुत बढ़िया कीर्ति जी। पहला चक्र था और आदेश मिला था कमेटी के द्वारा कि पहले चक्र में जो बात हो वो तो भीमा बाबा के विषय की बात हो। तो मैंने कहा अरे भीमा बाबा ने मुझको बुलाया, बाबा ने मुझको बुलाया तो मैं भागा चला आया, मैं दौड़ा चला आया हूँ। उधर से आवाज आ गई, हमारे विकास भाई ने कहा कुछ ना कहो उसको, तुमको दौड़ते दौड़ते नहीं आना चाहिए था, तुमको आराम से आना चाहिए था। विकास भाई कारण दौड़ के आने का ये नहीं था, ये दौड़ नहीं पाता है ना, कारण दौड़ पहुंचता है। कारण दौड़ कर आने का क्या ये था कि कीर्ति जी सुबह ही यहाँ पहुंच गई थी, इसलिए मुझे दौड़ कर आना पड़ा। और आपने कहा कि आप कह रहे हैं क्यों भागे चले आए, क्यों दौड़े चले आए, और जवाब में भी तो आप ही ला रही हैं, है ना, कि भीमा बाबा ने तो बुलाया तो ये भागी चली आई, ये दौड़ी चली आई। आप दौड़ी चली आई तो मैं दौड़ा चलाया, उधर स्त्री लिंग इधर पुरुष लिंग, तो कौन सी बड़ी बात है ना। गीत को आपने सुना नहीं था, और एक बात आपने कही कि भीमा बाबा चंदा मांगने जाते थे, गलत बात है। जब हम गीत गाए मांगने जाते, एक चीज आप सुन लीजिए, दुनिया उनके दरबार में खुद मांगने आती है, चंदा मांगने जाते। जब मैं कोई गीत कहूं कोई बात कहूं तो पहले उसको सुना करिए, उसको नोट किया करिए, और आपके साथ जो अध्यक्ष भैया हूं उनसे पूछा करिए कि ये बात सही है कि गलत है। कारण उसमें गलती आपकी नहीं है, आप पूरे गीत को नोट ही नहीं करती हैं। ना ना ना, मैं कह रहा था, मेरा कहने का ध्याय ये था कि बाबा किसी से पैसा नहीं मांगते थे, जिससे पैसा मान लीजिए मुझसे मांग रहे हैं तो वो पैसा मेरा ही स्वीकार करेंगे, अगर उधर जाकर दीपक भैया देने लगे तो दीपक भैया का पैसा बाबा स्वीकार नहीं करते। ये चंदा मांगना अलग विषय है, ये चंदे वो कार्यक्रम वार्यक्रम का चंदा नहीं मांगते थे, वो अपने लिए मांगते थे। और बहुत सारी विशेषताएं लाती तो ले आ सकती थी, क्योंकि आपने प्रयास ही नहीं किया, क्योंकि आप सुबह यहाँ पर आ गई थी जहां तक मेरी जानकारी है। अगर चाहती तो बाबा के दरबार में और बहुत सारी बातें थी, आप किसी से पूछ लेती, हमारी सामू दादा बैठे रहते हैं 24 घंटे, आप उनसे पूछ लेती तो बता देते और बहुत सारी बातें आपको, लेकिन आपने प्रयास ही नहीं किया। चलिए छोड़ता हूं आपकी बहुत सारी बातों को, क्योंकि समय मात्र 35 मिनट का मिला है, और बहुत अच्छा सवाल आपका है, पहला ही गीत दे दिया आपने। अरे तेरे जुल्मों की खटा है जो मैं दीवाना हुआ,
पत्थर उठाओ जमाने के फिजाओ, तुम्हें हम आजमाए हमें तुम आजमाओ। क्यों चले आए हो बेबस पर सितम ढाने को, चले आए हो बेबस पे सितम ढाने को। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। क्या हुस्न हाजिर है, हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को। हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने। तसल्लियों से किसी का भला नहीं होता। जड़े कटी हो तो पौधा हरा नहीं होता। दिल की तरह कभी दिया करो दिमाग पर जहमत, दिल दिमाग की तरह बावला नहीं होता। चली आई हो क्यों चली आई हो बेबस पर सितम ढाने को। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने। और दरिया की दाद की ओर से आया है। आपने कहा कि शंकर भैया सुनिएगा जी, अभी कल दशहरा हुआ है और दशहरे के उपलक्ष्य में गीत मैं गा रहे हैं, लेकिन जब आपने कहा कि दशहरा हुआ है तो मैंने सोचा कि दशहरे के बाद का गीत होगा, लेकिन आपने रावण मरा नहीं उसके पहले की बात आप कर रही हैं। वहां पर मरने की हालत में है और शिक्षा लेने के लिए लक्ष्मण को भेजा गया, उन्होंने तमाम प्रकार की बातें बताई हैं। सिर के ऊपर से तमाम प्रकार की बातें बताई हैं, ज्ञान की बातें। जब पहले लक्ष्मण जी पहुंचे तो सिर के पास खड़े थे, सिर के ऊपर नहीं खड़े थे। सिर के ऊपर से कहा था, छोड़ो गुरु छोड़ो। हिंदी में बिंदी का बहुत बड़ा महत्व होता है, और जब जल्दबाजी में कोई काम होगा तो गलत निकल ही जाएगा। आपने कहा गए लक्ष्मण जी ज्ञान सीखने, और जब तमाम प्रकार की बातें आपने बताई हैं कि रावण ने कहा कि ये होगा ये होगा ये होगा, लेकिन उस समय दशहरा नहीं था। अब मैं आपको ओरिजिनल दशहरा दिखा रहा हूं, दशहरा हुआ कब। रावण मर गया, लेकिन आज भी रावण को जलाया जाता है। जब ऐसी बात हुई, आप लोगों को एक संदेश देना चाहता हूं। रावण मर गया तो
तो रावण कह रहा है क्या भगवान राम से कि मुझे आज भी लोग जलाते हैं और हर साल जलाते हैं, बार बार जलाते हैं, और हम लोग भी कहते हैं कि मरता ना रावण। हमारे लाल चंद दादा कहते हैं कि का करूं सजनी मरता ना रावण। तमाम प्रकार की बातें लाई गई हैं। सुनिए आदरणीय जन समुदाय, आप लोगों से करवट निवेदन कर रहा हूं, यदि मेरी कोई भी बात आपको अच्छी लगे या लगे कि मैंने कोई बात कह दी है, क्योंकि घर का लिखा जब कोई गीत होता है संजय भैया तो आदमी गढ़ने में कोई कमी नहीं रखा होता है, लेकिन मंच पर तुरंत में जो प्रयास किया है मैंने, आप सुनिए पंक्तियों को आदरणीय गुरु जी। रावण कहने लगा भगवान राम से क्या क्या, अरे प्रश्न उनसे कहने लगा भगवान राम से क्या प्रश्न उनसे है जो हर वर्ष मुझे जलाते हैं। रावण कहने लगा प्रभु प्रभु उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो मुझे हर साल जलाते हैं। प्रश्न उनसे है जो हर वर्ष हमें जलाते हैं, जो अपने मन का रावण नाम हर पाते हैं, रावण कहने लगा प्रभु प्रभु मेरा उन लोगों से ये प्रश्न है, मुझे तो हर साल जलाया जाता है, मैं पापी हूँ, मैं अत्याचारी हूँ, मैंने गलत काम किए हैं, लेकिन जो लोग मुझे जलाते हैं उनको पहले अपने मन का रावण मानना चाहिए। प्रश्न उनसे है जो मुझे हर वर्ष जलाते हैं, जो अपने मन का रावण मार नहीं पाते हैं। प्रभु प्रभु मरने का शौक नहीं, अगर मुझे मारते हैं तो कोई बात नहीं, मरने का शौक नहीं, जीने का शौक नहीं, मरने का शौक नहीं, जीने का शौक नहीं, समय के चक्र को तुम सके रोक नहीं, तुम सके रोक नहीं, तुम सके रोक नहीं। आखिर समय का चक्र कौन रोक पाया है इस जगत में, किया जो कुछ भी हो, सब दिखाने को ये जो लीला की ये सब दुनिया को दिखाने के लिए मैंने किया, जो कुछ भी मैंने जग को सब दिखाने को, पैर हमने वो पैर हमने वो तुमसे ठाना मुक्ति पाने को, पैर हमने वो तुमसे ठाना मुक्ति पाने को, और हमारे मध्य हमारे बड़े भाई दुर्गा दिलेर जी आलू खेला की धरती से बता रहे हैं, मैं करवत निवेदन चाहता हूँ कर रहा हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हो आकर जो है मंच पर मंचासीन हो जाएं। धन्यवाद है। किया जो भी कि
किया जो भी मैंने वो जग को बस दिखाने वैर तुमसे वैर तुमसे है ना मैंने मुक्ति पाने तो तुमसे है मैंने ठाना मुक्ति पाने को और रावण कहने लगा प्रभु आज के लक्ष्मण कलयुग तो रावण कहने लगा क्या क्या आज के लक्ष्मण ही करते हैं देखो सीता हरण आज के लक्ष्मण ही करते हैं देखो सीता हरण बन के दुशासन करते देखो वो चीर हरण त्रेता नहीं कलयुग का रावण कह रहा है वार्ता हो रही है राम और रावण में देखो वो सीता हरण बदला संसार है बदला संसार है बदला आधार है बदला संसार है ये बदला आधार है ये बदली है इंसानियत बदला व्यवहार है ये बदला व्यवहार है ये बदला व्यवहार है ये बदली है इंसानियत बदला व्यवहार है तुला था खुद को यहां मिटने और मिटाने रावण कहने लगा भगवान तुला था खुद को यहां मिटने और मिटाने को पैर हमने ओ पैर हमने किया था तुमसे मुक्ति पाने जी मोती खेड़ा आपके कर कमल धारा ये 51 पद मुद्राएं हैं माता भगवती हमेशा आपके अंग संग में भंडारे भरे रखें और आप हैं बड़े भैया राजपूत वस्त्रालय एवं टेंट लाइट हाउस बसहा तिराहा मोरवा उन्नाव प्रोपाइटर बड़े भैया लक्ष्मीकांत राजपूत जी आपके कर कमलों द्वारा ये 101 पद मुद्राएं हैं हृदय से धन्यवाद है आजीवन आशीर्वाद चाहता हूं बिम्मा बाबा की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे और आप हैं सिंह इलेक्ट्रॉनिक सिंह इंटरप्राइजेज सिंह ट्रेवल्स
और संजय ज्वेलर सदर बाजार हिलौली उन्नाव, आपके कर कमलों द्वारा ये 51 पद मुद्राएं हमारे साथ हमारे अनुज छोटू सिंह के लिए जो हमारे साथ नाव प्रसंगत कर रहे हैं उनके लिए हैं। लो बेटा लो, लो बेटा, हृदय से धन्यवाद है आपको। और आप हैं बड़े भैया राजेश यादव विक्का खेड़ा चाय वाले, आपके कर कमलों द्वारा ये 11 पद मुद्राएं हैं, हृदय से धन्यवाद है। और आप हैं बड़े भैया ओपी यादव जी टुकड़ा मोहब्बत वाले, आपके कर कमलों द्वारा ये 11 पद मुद्राएं हैं, हृदय से धन्यवाद है। और आप हैं बड़े भैया लाला राजपूत जी नया खेड़ा, आपके कर कमलों द्वारा ये 51 पद मुद्राएं हैं, हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आजीवन आशीर्वाद चाहता हूं। और आप हैं बड़े भैया हीरा लाल वकील साहब दरहटा, आपके कर कमलों द्वारा ये 51 पद मुद्राएं हैं, हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आजीवन आशीर्वाद चाहता हूं। और आप हैं झूरी पावर हाउस मोरावा, आपके कर कमलों द्वारा ये 101 पद मुद्राएं हैं, माता भगवती हमेशा अनुसंग रहे, बाबा की कृपा हमेशा पर बनी रहे। और आप हैं हिमांशु मौर्य श्रीमद भागवत मंडल उन्नाव चौपाई, क्या बात है। और आपका मोबाइल नंबर है 8869031190 जीरो। अच्छा, जो हमारे पास नाल पर संगत करना है छोटू जी के लिए, आपको से आया है, हृदय से धन्यवाद। छोटू बेटा लगता है बंबई जाने की तैयारी है। और ये नवयुवक भीमा बाबा कमेटी की ओर से ये 51 पद मुद्राएं हैं, हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आजीवन आशीर्वाद चाहता हूं। 101 पद मुद्राएं हैं, जमा करिएगा, हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, लव। और आप हैं बड़े भैया राम बाबू भोपतपुर, आपके कर कमलों द्वारा ये 11 पद मुद्राएं हैं, हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आजीवन आशीर्वाद चाहता हूं। अच्छा, श्रीमद भागवत श्री अमृत वर्षा राही प्रोग्राम में रासलीला द्वारा दिखलाया जाता है। और आप हैं कथावाचक जय श्री उर्फ बिट्टू, आपके द्वारा कथावचन का कार्य किया जाता है, ग्राम गुड़वा पोस्ट चौपाई जिला उन्नाव, आपके कर्कमलों द्वारा ये 101 रुपए भी प्रदान हुए थे और 51 रुपए आपने हमारे ढोलक वादक को भी दिया है, धन्यवाद करता हूं आपको। चलिए चलो एक गीत मैं दे रहा हूं आपको। कीर्ति जी सुनिए, बस हंसा करिए तो इससे जो है थोड़ा दिमाग फ्रेश रहता है, मंडल का हंसना जरूरी है सेहत के लिए, टल्लू नहीं हंसे में बैठ जाता है तो दिमाग काम नहीं करता है, राज भैया इसलिए हंसना बहुत जरूरी है ना। और एक बात है कि आप इधर देखिए, जवाबी आज की हमसे अवधेश भैया से तो हमेशा आपकी जवाबी हुआ करती है, आज की जवाबी हमसे तो आप इधर मुखातिब होइए, ये सजेगा नहीं कि गीत बजा कौन सा। अरे भला कौन है वो Bye.
भला कौन है वो हमें भी बताओ। वो तस्वीर उसकी हमें भी दिखाओ। क्या बात है, ये किससे किसी को बताते नहीं है मगर दोस्तों से छुपाते नहीं है मगर दोस्तों से छुपाते नहीं है छुपाते नहीं है। कीर्ति जी तेरे दर्द दिल की दवा हम करेंगे, तेरे दर्द दिल की दवा हम करेंगे, न कुछ कर सके तो दुआ हम करेंगे, न कुछ कर सके तो दुआ हम करेंगे, दुआ हम करेंगे, दुआ हम करेंगे। अब मजा आया, तड़प कर आएगी वो मुझे मिल जाएगी, वो तड़प कर आएगी वो मुझे मिल जाएगी, वो मेरी महबूबा मेरी महबूबा मेरी महबूबा मेरी महबूबा मेरी महबूबा। किसी रोज उनसे मुलाकात होगी, मेरी जान उस दिन मेरे साथ होगी, मगर कब न जाने ये बरसात होगी। मेरा दिल है प्यासा, मेरा दिल अकेला, जरा तस्वीर कल के सामने आ, मेरी महबूबा ओ ब्लाडी दी ओ ब्लाडा दा दा ओ ब्लाडू डू डू कार कर रहे हैं हमारे बड़े भाई सतीश समरिया जी, जो अपने आप में कलम के जादूगर हैं। आज पूरी तरीके से आपका सहयोग हमको मिल रहा है। आपने कहा है कि इसको एक बार दोहरा दीजिए। किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी, जान उस दिन मेरे साथ होगी, मगर कब न जाने ये बरसात होगी। मेरा दिल है प्यासा, मेरा दिल अकेला, जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ, मेरी महबूबा ब्लाडी डी डी ओ ब्लाडा डा डा ओ ब्लाडू डू डू वी लव यू ओ ब्लाडू डू डू ओ ब्लाडा डा डा ओ ब्लाडू। ये तो है धुन कीर्ति जी, मैटर सुनिए। भगवान राम में अगर आप लोगों का साथ मिला मिला, आप लोग ये आप लोगों पर निर्भर करता है कि आप हम लोगों को किस तरीके सुनना चाहते हैं। ये भूल जाइए कि हम मेलोली से आएंगे, ये आप याद करिए कि हम पिंपी से आ रहे हैं। जब इस भावना के साथ आप सुनेंगे तो कहीं में आनंद आपको आएगा। हमको हिलौली वाला समझेंगे तो आनंद नहीं आएगा। ये भगवान राम जिस समय समुद्र में पुल का निर्माण हो रहा है, समझ लिया एक एक पंक्ति को सुनिएगा। पुल का निर्माण हो रहा है, नल नील इत्यादि बंदर बेटा, नल नील इत्यादि बंदर पुल निर्माण में लगे हुए हुए। उधर भगवान राम ने सोचा,
भगवान राम ने सोचा ये तो काम हमारे कर रहे हैं, थोड़ा टाइम मिला है ना, थोड़ी मदद इनकी कर दीजिए, इन दो लोबेरों की मदद कर दो। तो भगवान राम ने एक पत्थर उठाया, जल में छोड़ दिया, जल में छोड़ दिया तो पत्थर डूब गया, डूब गया। बड़े बड़ी चिंता हुई उनको, परेशान हो गए। फिर एक पत्थर उठाया और फिर जल में संजय भैया छोड़ दिया, फिर पत्थर डूब गया। यही प्रक्रिया चल रही थी, पत्थर तैर नहीं रहा था। ये सब कहानी देख रहे थे हनुमान जी महाराज। तो हनुमान जी महाराज पहुंचे भगवान राम के पास और कहने लगे, प्रभु प्रभु आप बड़ी चिंता में नजर आ रहे हैं। तो भगवान राम ने कहा हनुमान कि एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। तो हनुमान ने कहा, बोलो प्रभु, ऐसी कौन सी बात है जो आपके समझ में नहीं आ रही है, बोलो। तो देखिए भगवान राम कह क्या रहे हैं, क्या कह रहे हैं। अरे नहीं बात हनुमत, समझ में ये आए। कहा कि एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, बोले क्या क्या। एक संशय समन में रहा है समाए, भाव मन के मन में मेरे ठहरते नहीं है, फेंकता हूँ पत्थर पर तैरते नहीं है, तैरते नहीं है, तैरते नहीं है। भगवान राम ने कहा कि फेंकता हूं पत्थर पर तैरते नहीं है ना। तो एक बात और कही भगवान ने, क्या क्या। कि ना कर सकूं हनुमत, ना कर सकूं हनुमत, ये फैसला कड़ा है, क्या व्यक्ति से बढ़कर उसका नाम बड़ा है, नाम बड़ा है। भगवान राम ने कहा, क्या व्यक्ति से बढ़कर किसी का नाम हो सकता है क्या क्या। और कह रहे हैं क्या क्या। कि फेकनल नील ने पत्थर, फेकनल नील ने पत्थर, उस पे श्री राम लिख कर नहीं वो डूबा, फेकनल नील ने पत्थर, उस पे श्री राम लिख कर नहीं वो डूबा, नहीं वो डूबा, नहीं वो डूबा, नहीं वो डूबा, नहीं वो डूबा। स्वयं हरि कर न पाए, भगवान हरि यानी भगवान राम, स्वयं हरि कर न पाए तो हरि वो कर दिखाए, हरि माने बंदर, बंदर। स्वयं हरि कर न पाए वो कर हरि कर दिखाए, ये कैसा अजूबा, ये कैसा अजूबा, ये कैसा अजूबा, ये कैसा अजूबा, ये कैसा अजूबा। मेरे साथ तालियां देकर आप लोग बोलेंगे क्या क्या। कि जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम, सीता राम राम राम, बोलो राम। जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम। जब इतनी बात कही भगवान राम ने, और ये परम आदरणीय बड़े भैया संदीप भैया लखनऊ वाले, कृपा कमलो धारा, ये 21 पद मुद्राएं हैं, हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। जय श्री राम। और आप हैं बड़े भैया संदीप कुमार लोधी जी, पंचायत मित्र वलिया है, आपके कर कमलों द्वारा ये 101 मत मुद्राएं हैं, हृदय से धन्यवाद है, आशीर्वाद चाहता हूँ।
बीमा बाबा हमेशा आपके संग रहे, आपके भंडारे भरे रखे। जब इतनी बात संजय भैया हो गई, देखिए गीत भावों से अगर आप सुनेंगे निश्चित आनंद आएगा। केवल आप लोग मन बनाइए और सुनाने की ठेकेदारी मेरी है। जब कहा क्या वो भी बताएंगे भी। समस्या तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु अरे समस्या का अपनी क्या बज रहे हो बेटा आज केंद्रित करना चाहता हूँ। देखिए हनुमान जी ने कहा तो राम से क्या क्या कि समस्या का अपनी सुनो नाथ कारण ओ करते हो जने जन का आप तरो तारण। आप जन जन का तरो तारण करते हैं तो आपकी कृपा के मिले कई हैं उदाहरण। ओ कारण का कर दू मैं हनुमान ने कहा कि तुम्हारे कारण का तो निवारण मैं चुटकी में कर दूं। तो भगवान राम ने कहा कि ऐसा क्यों हो रहा मेरे साथ, ऐसा क्यों। और आप हैं बड़े भैया सुमित कुमार यादव जी, परिवहन निगम चालक कैसरबाग डिपो लखनऊ, आपके कर कमलों द्वारा ये 51 पद मुद्राएं हैं, हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और आप हैं बड़े भैया पति कुमार पांडे ग्राम पोस्ट देवमई, आपके कर कमलों द्वारा 21 पद मुद्राएं हैं। और एक सूचना आपने दी है कि 20 अक्टूबर को विशाल जवाबी कीर्तन, कलाकार हैं क्रांतिमाला कानपुर बाबूलाल राजपूत छतरपुर मध्य प्रदेश। ये बड़ा सुंदर कार्यक्रम होने जा रहा है आपके बगल दोमई में। सभी श्रोताओं से विनम्र अनुरोध है कि इस कार्यक्रम में पहुंचकर इसको सफल बनाएं। और ये हमारे बड़े भैया सुमित यादव परिचालक कैसरबाग डिपो लखनऊ, आपके कर कमलों द्वारा ये क्या पद मुद्रा है हमारे साथ नाल पर संगत कर रहे हैं छोटू सिंह के लिए हैं। हृदय से धन्यवाद है। सुनिए ढोलक बजाने की मोहर है बेटा। आपकी कृपा के मिले कई हैं उदाहरण, कारण का कर दूं प्रभु तुरंत मैं निवार। आपका प्रताप है ये, पहली बात तो आपका प्रताप, आपका प्रताप है ये और गुरु का श्राप है ये। क्योंकि जब नलनील बचपन में विद्या ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में थे तो लोग हरकतें बहुत किया करते थे, जो भी वस्तु पाते जल में फेंक देते थे, तो इनके गुरुजी नाराज हो गए, उन्होंने इनको श्राप दे दिया। श्राप दे दिया कि आज के बाद तुम लोग जो चीज फेंकोगे पानी में वो कभी डूबेगी नहीं। जब ये श्राप दे दिया तो वही गुरुजी का श्राप भगवान राम के लिए वरदान बन गया। जय जय। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु सुनिए, आपका प्रताप है ये और गुरु का श्राप है ये, नहीं ये अजूबा, नहीं ये अजूबा, नहीं ये अजूबा, नहीं ये अजूबा, नहीं ये अजूबा। आपका प्रताप है
और गुरु का श्राप है। और हनुमान जी ने कहा क्या क्या, और रही बात डूबने की, कितना सफाई से हनुमान जी जवाब दे रहे हैं, क्या क्या कि जिसे जिसे मुख प्रभु ने मोड़ा, भगवान राम ने जिसे मुख मोड़ लिया, जिसे मुख प्रभु ने मोड़ा और जिसे प्रभु अरे ने छोड़ा, तो समझो वो डूबा, ये वो डूबा, समझो 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 वो डूबा। अब जब ये बात पहुंच गई लंका, लंका पहुंच गई तो उधर मंदोदरी रावण की पत्नी थी, वो कहने लगी स्वामी अभी भी समय है, सीता को वापस कर दो, सुधर जाओ, क्योंकि उनके पास जो बंधन है उनमें इतनी शक्ति है कि पत्थरों पर केवल नाम लिखकर छोड़ देते हैं तो पत्थर तैरते हैं। रावण ने कहा मंदोदरी, मंदोदरी तुझे मेरी शक्ति पर संदेह है, तू नहीं जानती, अरे ना अनाथ ना अकेला हूँ, मैं अमरनाथ का चेला हूँ, तुझे नहीं मालूम अब कैसी तबीयत है, ना अनाथ ना अकेला हूँ, मैं अमरनाथ का चेला हूँ, अमर हूँ, अमर हूँ, अमरता अमरनाथ की है, विश्व भर में महिमा विश्वनाथ की, जय हो, जय हो, मालूम जय हो भोलेनाथ की, जय हो, जो संजय भैया पंखिया सुनिएगा, आनंद लीजिए। तो रावण कहने लगा मंदोदरी से कि सुन, अरे बड़ी बात बिल्कुल कहने लगा नजर नहीं आओगे, रावण कहने लगा अरे बड़ी बात इसमें नहीं कोई रानी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी बात है, अरे जहां हां कूदो वही रुक जाए पानी, अरे तू पत्थर तैरने की बात करती है, अगर मैं हां कूदूं तो पानी रुक जाए समुद्र का, जिन्हें जाने दुनिया कहे अविनाशी, जिन्हें जाने दुनिया कहे अविनाशी, एक उंगली से उनकी हिलाती है काटे, हिलाती है काटे, हिलाती है काटे, मैंने एक उंगली से भगवान भोलेनाथ की काशी हिला दी है, चार वेद छह सात करोड़ 18 पुराणों का ज्ञान था, और तू आज मुझे समझा रही है, तुझे संदेह है मेरी शक्ति पर, भगवान तो रावण ने कहा, रावण ने मंदोदरी का हाथ पकड़ा और मंदोदरी का हाथ पकड़ ले कर ले गया समुद्र तट के किनारे, जब समुद्र तट पर पहुंचा एक पत्थर उठाया, एक पत्थर, बढ़िया बड़े ध्यान से सुनिएगा आप लोग, क्योंकि कीर्तन केवल शब्दों का आनंद है, अगर जरा सा भी बात इधर तमाकू और मसाले में हो गई लाइन निकल गई तो दोबारा मिलती नहीं है। रावण ने मंदोदरी का हाथ पकड़ा और उसको समुद्र तट के किनारे ले गया और एक पत्थर उठाया और उस पत्थर को सीने से लगाया और अपने मन में कहा क्या कि सुन पत्थर, सुन पत्थर, तुझे श्री राम की सौगंध है, डूबना नहीं, सुन पत्थर दिल इंसान, कहा तुझे श्री राम की सौगंध है, डूबना नहीं, और श्री राम की सौगंध देकर उस पत्थर को रावण ने फेंक दिया और पत्थर तैरने लगा, तैरने लगा, पत्थर तैरने लगा, तो देखिए हुआ क्या, जिन्हें जाने दुनिया कहे अविनाशी, गुंगली से होने की हिला दी है काटे, हिला दी है काटे,
सिला सीने से लगाया, सिला को सिला सीने से लगाया, राम की शपथ दिलाया, सिला उस पत्थर को सिला सीने से लगाया, राम की शपथ दिलाया, और उस सिला पर नहीं कुछ उस पे लिखाया, उसे पानी में बहाया तो नहीं वो डूबा, मन में सोचने लगी क्या? देखती है जब रानी, होती उसको है रानी, ये कैसा अजूबा, कहे राजपूत ये चढ़कर, कह सकता हूँ कहे राजपूत ये चढ़कर, नाम श्री राम से बढ़कर नहीं कोई दूजा, 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 जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम। मच्छरदानी रजब हो कौनो सावत संग करे छेड़खानी, लगा के मच्छरदानी छेड़खानी, लगा के मच्छरदानी रजब। ये तो कहा भोजपुर वालों ने। कीर्ति जी, अरे इधर देखिए आप, इधर देखिए ना उदेश भैया, तो जब अभी चली रही है, नहीं देखेंगे आज का ठेका आपने बयाना मुझसे लिया है, जब अभी कर चंगू मंगू को भी बता देना। कितने आदमी थे कालिया? दो। ये कह रहा है कि लगा के मच्छरदानी रजऊ। आप लोग अगर दिल से सुनेंगे, दिमाग से विचार करेंगे, तो आपको कुछ मिलेगा। कारण ये है क्या, ये टुकड़ा न किसी कथानक से है, न किसी रामायण न महाभारत से, ना ये दर्शन शास्त्र है। एक बुढ़ाऊ है, एक बुढ़िया है, बस समझिएगा आप, उनके कोई बच्चा नहीं है और दोनों लोग वृद्ध हैं और जीवन यापन किसी तरीके से कर रहे हैं। जो बुढ़ाऊ है तो भी थोड़ा बीमार है, तो जो काम है बाहर के वो सब जो उनकी बुढ़िया जी हैं वो कर रही हैं। तो काम करने के लिए गई तो देखा कि तमाम प्रकार के उनके काम हैं, कहीं थाने का काम लगा, कहीं बैंक का काम लगा, कहीं कोर्ट का लगा, कहीं चंदी का लगा। तो
वो नेताओं से बहुत परेशान है। हालांकि मैं किसी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक व्यंग है तो हास्य भी है। अरे भैया प्रयास देखिएगा, इसका गाने का नाम लगा है। तो कहने लगी क्या, कहने लगे बुढ़ाऊ बुढ़ाऊ, अरे सब नेता गिरीन सब सत्यानाश है, तो कहां से कहां पहुंच जाए, धर बेच खा सदरी पहन के आगे। नेतागिरी दिक्कत कर रही है तो? नेतागिरी दिक्कत कर रही है भाया। अरे पहिने पहिने सफेदी घूमे, क्या बात है बेटा, घूमे रहे अपनी धौसमा, जो आजकल के नेता हैं, मैं छोटे लेवल की बात कर रहा हूँ, जमीनी नेता नहीं नहीं नहीं, उस तरह तो मैं खुद कहने की जरूरत नहीं, ये घरेलू नेता। अरे पहले सफेदी रहे रहे अपनी धौसमा, बाप मरा अंधेरे माँ लड़का पावर हाउस माँ, ऐसी नेतागिरी किस काम की। और पहले देश में एकता थी, एकता में शक्ति। दीपक भैया एक नई बात निकाल रहा हूँ, आपको अच्छी लगेगी। पहले ये एकता इस कदर थी कि फिल्मों में भी ऐसा दिखाया जाता था कि फिल्मों में एकता की मिली जो मिसाल है। दीपक भैया फिल्मों में एकता की मिली ये मिसाल है, ओ अंथोनी अमर अकबर का बाप रामलाल है। आप लोगों ने पिक्चर देखी होगी अमर अकबर अंथोनी, उसके बाप का नाम रामलाल, ऐसी एकता कहा है। फिल्मों में एकता की मिली जो मिसाल है, अंथोनी अमर अकबर का बाप रामलाल है। जब इतनी बातें सब की तो बुढ़ाऊ ने कहा बुढ़ा गई कहां रहो तुम, कह रहे हैं ब्लॉक, तो ब्लॉक गए तो ब्लॉक में काम क्या हुआ, तो कह रहे हैं बुढ़ा क्या कि लटी लैटरीन गनवा कॉलोनियन में लूट है, और चारों तरफ लागी बुढ़ऊ लूटे के छूट है। ये बुढ़ऊ चारों तरफ आफत है, और थाना पुलिस तहे सीलवा कचहरी मा, बैंकन तक मा बाबू लाग हेरा फेरी मा। ये जब ऐसा कहा तो बुढ़ा कहने लगी कि बहू अरे भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद गांधी जैसे नेता हुए, आज उनकी आत्मा क्या कहती हो, केवल सुनिएगा दीपक भैया बंद सुनिएगा, कह रहे क्या कि का सोचत हुई है, हमारे मध्य रायबरेली जनपद के गौरव हमारे बड़े भाई बहुत अच्छे कलाकार अजय अनुरागी जी हैं, और मैं हृदय से धन्यवाद अर्पित करता हूँ और आजीवन आशीर्वाद चाहता हूँ। और कालू खेड़ा की धरती से हमारे बड़े भैया बीनू वाजपेयी जी, जो एक बहुत अच्छे आयोजक बहुत अच्छे श्रोता, और अगर कह लिया जाए तो आप जैसे लोग ही कीर्तन के भविष्य को मजबूत करते हैं। अगर वर्तमान को देखा जाता तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ यहाँ पर क्रांति माला या गुड़िया भारती गा रही होती। इस कमेटी की ज्यादा सोच है, ये कमेटी कीर्तन के भविष्य को मजबूत कर रही है। ये सारी कमेटियां नहीं करती, इतना बड़ा दाव कोई नहीं कर सकता। इस मंच पे 15 साल से लगातार कीर्तन हो रहा हो और उस कमेटी पर राम शंकर राजपूत कीर्तियां चल गाना गाएं, अपने आप में बड़ी बात हो सकती है। लेकिन ये बाबा का आशीर्वाद है और आप सबकी करुणा है। तो कहने लगे क्या का सोचत हुई है, Thank you.
कहता हूँ, का सोचत हुई है भगत सुबह सेवा बाबा गांधी बूढ़ो। दीपक भैया पंक्तियां सुन लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा। बुढ़िया करे क्या कि का सोचत हुई है भगत सुबह सेवा अजत बाबा गांधी बूढ़ो। पहले हो पहले जमाने में हाँ, पहले होती रहे चांदी के चमचा, अब चमचन कह चांदी बूढ़ो। हो पहले होती रहे चांदी के चमचा, अब चमचन कह चांदी बूढ़ो। मुद्राएं बड़े भैया कलू खेड़ा धरती से पधारे, हमारे बड़े भाई बीनू बाज।